फिल्म 3 ऐसी नंस के बारे में है जो अपने अकेलेपन को मारने के लिए डेस्परेट है। तो कहानी के शुरू में हम एक नन को देखते हैं जो कि एक गधी के साथ चर्च की तरफ आ रही है, जिसका नाम सिस्टर फर्नांडा है। चर्च पहुंचने पर वो जेनीवा से मिलती है, जो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम चर्च में क्यों नहीं थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधी को पकड़ने गई थी। जेनीवा हैरान है कि गधी रोज रात को कैसे भाग जाती है। तभी एक माली पास से गुजरते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों सिस्टर्स उस पर टूट पड़ती है और खूब गालियां देती है। अगले सीन में हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो काफी दुखी है और अपने चर्च वाली लाइफ से बहुत ही परेशान है। कुछ देर बाद अलेक्जेंड्रा के पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उनसे कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और वो अपनी बहन की तरह शादी कर घर बसाना चाहती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चर्च को दान भी दे और उसके लिए दहेज भी जोड़ सके। अपने खानदान की परंपरा के अनुसार उन्हें चर्च को दान देना ही होगा और अगर अलेक्जेंड्रा के नसीब में हुआ तो उन्हें और पैसे मिलेंगे और वो तब उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अलेक्जेंड्रा ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन एक बार फिर उनकी बोरिंग रूटीन शुरू हो जाती है और अपनी इस लाइफ से ये तीनों नंस इतनी उदास है कि वो अपना मुंह लटकाए चल रही होती है। तभी वहां से माली एक बार फिर उन्हें बुरी नजरों से देखता है और तीनों उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। उस पर बरस पड़ती है और उसकी खूब धुलाई करती है। वहीं फादर तमानसो मदर मारिया के पास से एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े लेकर शहर बेचने जाते हैं। यहां हमें ये पता चलता है कि मदर मारिया फादर तमानसो को लाइक करती है। माली फादर को बताता है कि वो यहां आप काम नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रूनो क्वीन फ्रेंस्का के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फ्रेंस्का ब्रूनो की बातों से बहुत उब चुकी होती है और वो पास में खड़े नौकर मसेटो पर लाइन मार रही होती है। कुछ देर बाद मसेटो फ्रेंस्का के साथ बिस्तर में होता है। फ्रेंस्का उसे बताती है कि वो अपने पति की बातों से बहुत थक चुकी है। वो बस पूरा दिन बातें ही करता रहता है और अगर वो ऐसे ही बातें करता रहा तो वो एक दिन उसका मुंह तोड़ देगी। मसेटो उसे कहता है कि जोर से मत बोलो वरना ब्रूनो आ जाएगा। फ्रेंस्का कहती है कि ब्रूनो बस बातें करता है और सोता है। अगर वो बात नहीं कर रहा इसका मतलब वो सो रहा होगा। मसेटो एक बार फिर फ्रेंस्का के साथ प्यार करने लगता है। तभी वहाँ अचानक लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। मसेटो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है, जहाँ वो सारे नौकरों की दिल की धड़कनें चेक करता है और मसेटो की धड़कनों को तेज देखकर वो एक निशानी के तौर पर उसके कुछ बाल काट लेता है और कहता है कि अभी तो मैं किसी को नहीं देख पा रहा, बस सुबह में कटे हुए बालों के साथ तुम्हें पहचान लूंगा। मसेटो अपना दिमाग चलाता है और बाकी नौकरों के भी बाल काट देता है। सुबह लॉर्ड ब्रूनो को पता नहीं चलता कि किस नौकर ने उसकी बीवी के साथ पिछली रात मजे किए थे। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पर क्वीन फ्रेस्का अपने आप को रोक नहीं पाती और वो एक बार फिर मसेटो के पास अपनी प्यास बुझाने आ जाती है। मसेटो क्वीन को रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है। ऊपर से लॉर्ड ब्रूनो ये सब देख लेते हैं और अपने सिपाहियों को ब्रूनो को पकड़ने का हुक्म देते हैं। मसेटो भागते हुए जंगलों में पहुंच जाता है, जहां वो फादर तमेंसो को देखता है जो नशे की हालत में है और उन्होंने सारे कपड़े खो दिया है। मसेटो फादर की मदद करता है, बदले में फादर उसे अपने साथ रहने का ऑफर देते हैं। रास्ते में फादर मसेटो को समझाते हैं कि तुम गूंगे बहरे होने का नाटक करना वरना चर्च में सवाल उठेंगे। अगले दिन मसेटो माली का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा मसेटो पर हमला करती है क्योंकि उसे मसेटो के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी वहाँ मदर मारिया आ जाती है और बताती है कि मसेटो यहाँ का नया माली है और ये गूंगा बहरा है। उसी दिन मदर मारिया अलेक्जेंड्रा को ये भी बात बताती है कि उसकी बनाई हुई सारी एम्ब्रॉयडरी चोरी हो गई और ये सब सुनकर अलेक्जेंड्रा बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन कन्फेशन रूम में जेनीवा कहती है कि उसके मन में गंदे विचार आते हैं, जिसके बाद फादर खुद मसेटो के साथ बैठकर शराब पीते हैं और मसेटो उन्हें बताता है कि वो यहाँ बहुत खुश है। फादर मसेटो से कहते हैं कि वो सिस्टर से बचकर रहे, वो जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। उस रात सिस्टर फर्नांडा की दोस्त मार्था चर्च में छुपकर आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में छुपकर शराब पीने लगते हैं। इतनी आवाज सुनकर सिस्टर जेनीवा वहां आ जाती है। वो लोग उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और सारी लड़कियां अश्लील सेक्स की बातें कर रही होती है, जहां मार्था उन्हें बताती है कि वो सब कैसे सेक्स मिस कर रहे हैं। ये सब सुनकर जेनीवा और मार्था अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मसेटो खुदाई कर रहा होता है और वहां उसे अकेला देखकर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है और मसेटो को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने स्कार्फ निकालकर उसके पास आ जाती है। मसेटो भी अलेक्जेंड्रा की खूबसूरती देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। वो अलेक्जेंड्रा को किस करने लगता है और मेकआउट करने लगता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से भाग जाती है।
वहीं जेनीवा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। अलेक्जेंड्रा वहां पहुंचकर उनसे बीती रात के मजे के बारे में कहती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। वो बताती है कि वो मसेटो की मदद कर रही थी और ये सब सुनकर फर्नांडा को अलेक्जेंड्रा पर शक हो जाता है। फर्नांडा अपने आप को हेल्पलेस फील करती है। वो अपनी दोस्त मार्था के साथ ऐसी जड़ी बूटी बनाती है जिससे वो मसेटो या किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना सके। साथ ही वो अपना खून निकालकर कुछ और भी जादू करने लगती है। ये सब दूर से जेनीवा देख रही होती है। मार्था और फर्नांडा मसेटो के कमरे में चले जाते हैं जहां वो चाकू की नोक पर मसेटो के साथ मेकआउट करने लगते हैं। मसेटो भी अपने आप को नहीं रोकता और वो वही करता है जो वो दोनों चाहती हैं। अपना काम पूरा होने पे दोनों वहां से चली जाती है। दोनों को वहां से निकलता हुआ जेनीवा देख लेती है। जेनीवा फर्नांडा से पूछती है कि पिछली रात की किस उसके लिए कोई मायने रखती है या नहीं। फर्नांडा कहती है कि रात गई बात गई। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक के वीडियो देखा है तो प्लीज हमें लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और मूवीज के नैरेटिव ला सके। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह चर्च में बिशप बर्थेलो रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। फादर तमेसो उनका स्वागत करते हैं। तभी मौके का फायदा उठाते हुए मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और वो अलेक्जेंड्रा के साथ मेकआउट करने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है और मसेटो गलती से बोल पड़ता है जिससे अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है। मसेटो अपने आप को छुपा लेता है। तभी उसे पता चलता है कि नन सुन नहीं सकती। वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि बिशप आ जाते हैं। मसेटो फिर से एक बार छुप जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वहीं सिस्टर जेनीवा भी फर्नांडा की तरह जड़ी बूटियां बनाने लगती है। बिना पूरी जानकारी के सिस्टर जेनीवा ऐसी जड़ी बूटी बनाती है जिसका नशा उसके दिमाग पर चढ़ जाता है। तभी अलेक्जेंड्रा मसेटो के कमरे में आ जाती है और उसे पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। उतने में ही जेनीवा भी कमरे में आ जाती है और अलेक्जेंड्रा छुप जाती है। नशे की हालत में धूत जेनीवा मसेटो के साथ मेकआउट करने लगती है कि तभी वहाँ फर्नांडा आ जाती है और जेनीवा छुप जाती है। जेनीवा और अलेक्जेंड्रा एक दूसरे को देख लेते हैं। फर्नांडो मसेटो को अपने साथ चाकू की नोक पर जंगल में ले जाती है जहाँ जो भी होता है वो इस कहानी में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जंगल में बहुत सारी औरतें बिना कपड़ों के आग के सामने चुड़ैल की तरह नाच रही होती है और फर्नांडो और मार्था भी बिना कपड़ों के मसेटो पर जादू टोना कर रही होती है। अलेक्जेंड्रा और जेनीवा दूर से ये सब कुछ देख रही होती है कि तभी जेनीवा भी अपने सारे कपड़े उतार कर उनमें शामिल हो जाती है। सब लोग जेनीवा की हरकतों को देख कर घूरने लगते हैं। जेनीवा गुस्से में सब पर हमला करती है और जैसे तैसे मसेटो और बाकी सब वहां से भाग जाते हैं। वहीं जेनीवा का पागलपन और बढ़ चुका होता है और वो चर्च में आकर सबको जगा देती है। ये सब सुनकर बिशप भी उठ जाते हैं और वो ये सब बताने के लिए मदर मारिया का दरवाजा खटखटाते हैं और तभी मदर मारिया के कमरे में से फादर तमेसो बाहर निकलते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अगली सुबह बिशप सबको सजा देते हैं जहां फादर को सिर्फ आदमियों के मॉन्ग ग्रुप में भेज दिया जाता है और मसेटो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है और बाकी नंस को भी सजा सुनाई जाती है। तीनों सिस्टर्स अपनी करतूतों के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है और सोचती है कि अगर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया होता तो मसेटो उनके साथ अब भी होता और वो सब एंजॉय कर पाते। लॉर्ड ब्रूनो मसेटो से कहते हैं कि कल तुम्हें तड़पा तड़पा कर सजा दूंगा। मसेटो डरा हुआ होता है। तभी वहां तीनों नंस एक कछुए की पीठ पर एक मोमबत्ती लगाकर सैनिकों का ध्यान भटकाती हैं और मसेटो को वहां से नन वाले कपड़े पहनाकर भगा ले जाती है। वो सब बहुत खुश है। वहीं फादर तमेसो भी अपना आश्रम छोड़कर भाग आते हैं और मदर मारिया से मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेस्परेटली किस करने लगते हैं। और यही थी हमारी कहानी अब तक।